दिल्ली भाजपा के द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। अगर मैं दिखाना चाहूं तो डिप्टी सीएम के आवास से महज कुछ ही दूरी पर भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होकर शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं तो सभी के हाथ में बैनर और पोस्टर लगे हुए, इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता टेम्पू में होकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। रामवीर सिंह भदूड़ी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, सीबीआई मांग की, जांच की मांग की गई है, सीबीआई जांच करेगी, अब विरोध कैसा? देखिए, आज हम दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है उनका इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो नई शराब नीति लागू की गई जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच सीबीआई द्वारा करवाई जा रही है। हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम विधानसभा में ये बात उठाते रहे कि आप गली गली में शराब के ठेके खोलकर एक तरफ युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने शराब ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है, तो उससे बड़ा भारी लाभ शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया गया। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने जो दिल्ली में 21 ड्राई डे होते थे उसको घटाकर 3 कर दिया गया। शराब के ठेकों की संख्या 250 से बढ़ाकर 850 कर दी गई। मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके लगभग 100 नगर निगम वार्डों में शराब के ठेके खोल दिए गए और शराब की क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी बल्कि शराब का ठेकेदार अपनी लैब में उसकी जांच करेगा, तो ये भी एक गलत कदम था। तो हमने हाउस के अंदर भी कहा था कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली के सबसे बड़े घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है। मनीष सिसोदिया की जगह अब मंत्रिमंडल में नहीं होगी, जेल में होगी, इसीलिए श्री अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बरखास्त कर देना चाहिए। विरोध क्यों, जब सीबीआई जांच करेगी, जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद फैसले का इंतजार करना चाहिए था? अरे भाई, अब ये तो अब जब सीबीआई की जांच शुरू हो गई है तो अब उनको मंत्रिमंडल से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब एक मंत्री उनका 2 महीने से जेल में पड़ा हुआ है, उनको भी अभी मंत्रिमंडल से नहीं निकाला है, तो इससे दिल्ली के लोगों को ये जानकारी अब हो रही है कि सरकार में रहते हुए इन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले किए। अभी और क्या ही घोटाले हम लेकर आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए हैं। भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि शराब नीति में बड़े घोटाले हुए हैं, उसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, महिलाएं नारेबाजी करते हुए कि सारे पैसे शराब के ठेकों को दे दिए गए, शराब के ठेकेदार इस समय दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की कर रहे हैं और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। मांग ये की जा रही है कि डिप्टी सीएम इस्तीफा दें और लगातार ये मांग को तेज करते हुए आबकारी नीति का जो नई आबकारी नीति है उसका विरोध भाजपा ने और तेज कर दिया है। वहीं सीबीआई पर विश्वास है, ये बात भी लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा कही जा रही है। दरअसल मनमोहन के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।